कितने राजा यहाँ पे, मतलब सात राजा गुजरे, सात राजा गुजरे एक ही फैमिली के, 170 साल तक इसमें हुकूमत करी। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं मतलब गोलकुंडा फोर्ट। वैसे हमारा प्लान था मतलब आज जो जू पार्क जाने का, बट आज जो मतलब आज वहाँ पे बंद रहता है, मंडे को मतलब क्लोज रहता है। मैंने मैप पे देखा था तो बंद था, तो हमारा फिर प्लान हुआ मतलब कि गोलकुंडा जाने का। तो आज हम लोग गोलकुंडा चलेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और गोलकुंडा खुलने का टाइम है 9:30 बजे खुल जाता है और 5:30 बजे शाम में बंद हो जाता है। तो चलते हैं फिर आप लोग। तो फाइनली गाइज हम गोलकुंडा पहुंच चुके हैं और अभी मैंने बाइक यहां पे लगा दी है, स्टैंड कर दिए है। अब हम लोग जा रहे हैं गोलकुंडा के अंदर, तो टिकट लेते हैं फिर चलते हैं। तो गाइज हमने गाड़ी बाइक का पर्ची बनवा लिया है, 20 रुपया लगता है मतलब बाइक का। आपको बाइक का नंबर बताना पड़ेगा, फिर आपका पर्ची मतलब आपको दे देंगे बाइक का, फिर वापस आकर दिखाना पड़ेगा इसको। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और ये गोलकुंडा के कुछ बाहर का सीन है। तो अभी हम अंदर चल के आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे, जो जो भी है और जो हम इसके अंदर नॉलेज है मतलब जो जानकारी है वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो लो, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा। ये बाहर का नज़ारा है, यहाँ से पानी ले लेते हैं और कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, फिर अंदर चलेंगे। ये कुछ पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। टिकट काउंटर यहाँ पे है, यहाँ पे टिकट मिलता है एंट्रेंस। ये है एंट्री फीस का कुछ डॉक्यूमेंट। तो गाइस हमने गोलकुंडा का भी टिकट ले लिया, मतलब अंदर जाने का टिकट ले लिया है और एक टिकट का मतलब 25 रुपया लगता है, यानी कि एक पर्सन का 25 रुपया लगता है यहाँ पे। देखिए अब चलते हैं अंदर। तो अंदर यहाँ से कुछ इस तरीके का सीन है, अभी अंदर जा कर आप लोगों को सब कुछ दिखाएँगे, बहुत मज़ा आएगा गाइस। वैसे मैं 2 बार यहाँ पर आ चुका हूँ, यह मेरा तीसरा बार है, लेकिन मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया था। मैंने दोनों बार सिर्फ फोटोग्राफी की थी लेकिन वीडियो नहीं बनाया था। तो आपकी पूरा वीडियो भी बनाएंगे, फोटोग्राफी भी करेंगे, सब कुछ दिखाएंगे। कितना अच्छा सीन आ रहा है, मतलब कितना मस्त लग रहा है। तो अभी मैंने कुछ फ़ोटो भी लिया है और अब अंदर चलते हैं सीधा। ये जितना बाहर का एरिया है हमारे मेरे ख्याल से मतलब इसको नगीना बाग कहते हैं, जो गार्डन है इसको नगीना बाग कहते हैं। और यहाँ पर नक्शा है गोलकुंडा का, मतलब जो कुछ भी है सब नक्शा है, नक्शा बना हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग सब देख लीजिए, दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए ये पूरा नक्शा है, कहाँ पे कौन चीज़ बना है, उसका नाम क्या है, सब पूरा है नक्शा। ये तीसरे नंबर पर नगीना बाग है, मोटरी बार। तो मैं इसका एक फ़ोटो ले लेता हूँ। बस अब अंदर चलते हैं, देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ से बाहर भी लोग, बाहर के भी लोग अभी आते हैं घूमने के लिए। ये है एंट्री गेट। गाइस ये है एंट्री गेट बाहर बड़ा सा। तो ये एंट्री का मतलब कुछ अंदर इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे मतलब कुछ ताली लगाने पर मतलब आवाज़ आती है, तो वो मालूम नहीं कहाँ पे है, मेरे ख्याल से यही था तब, लेकिन पता नहीं आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। तो अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं। और सर यहाँ पे आपको टिकट दिखाना पड़ेगा, 2 लोग अब चलते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का बहुत खूबसूरत बनाया गया, मतलब पहले की कारीगरी कुछ और ही थी, बिल्कुल अलग थी। तो
ये क्या चीज़ है भाई, तेलंगाना टूरिज्म, यहाँ तो कुछ है क्या? बाबू क्या कर रहे? यहाँ पर कुछ खाने के का भी मिलता है तो आप यहाँ से लेकर खा सकते हैं। बाकी ये कुछ बिल्डिंग, मतलब यार इतना खूबसूरत बनाया गया है, मतलब क्या बताएं, देखकर इतना अच्छा लग रहा है। इधर का सीन देखिए, यहाँ से कितना गजब का दिख रहा है, यहाँ से एक शॉट लेते हैं। इधर मस्जिद भी है, मंदिर भी है, मतलब तो गाइस जो कुछ भी है, मतलब जितना भी है सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन वीडियो थोड़ा शॉर्ट करके हम लोग डालेंगे, जैसे 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट का डालेंगे वीडियो, क्योंकि जितना सब कुछ है सारा आप लोगों को दिखाएंगे तो वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम कम दिखाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा कि मतलब आए इतने दूर से और हम लोग थोड़ा बहुत दिखा के चले गए तो अच्छा नहीं लगेगा। जितना कुछ जो कुछ भी है सब आप लोगों से शेयर करेंगे तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा गाइस। आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाते हैं तो ज़्यादा अच्छा से दिखेगा सब कुछ। अभी इसके अंदर चल रहे हैं। आधार फिल्म थी इसी के ऊपर सीटिंग में थी। कौन सी फिल्म? आधार फिल्म। हाँ मतलब यहाँ पर तो आए दिन मेरे ख्याल से शूटिंग होती रहती है, मतलब बहुत सारी फिल्म की शूटिंग होती हुई है और होती भी रहती है। अभी जीने के ऊपर से चल जा रहे हैं। मैं चलने में थोड़ा हाफा लग रहा है, बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है भाई। ये है, ये ऊपर से कुछ इस तरीके का सीन दिखता है। अभी हम लोग एकदम टॉप पे नहीं गए हैं, अभी थोड़ा ही ऊपर आए हैं, मतलब थोड़ा ही ऊपर आए हैं, बस इसके टॉप पे चलेंगे, वहाँ बिल्कुल से टॉप पे भी चलेंगे। ये देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखता है। ये जो भाई बाग है ना, ये नगीना बाग, इसको नगीना बाग बोलते हैं। इसके ऊपर से शूटिंग हुई थी, यहाँ से मतलब बहुत सारी फिल्म की शूटिंग हुई है यहाँ पे। शायद वो शाहरुख खान वाली कौन सी फिल्म थी यार, वहाँ उसकी शूटिंग हुई थी यहाँ पे, शाहरुख खान या सलमान खान, शायद याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं मूवी उतना देखता नहीं तो इसकी वजह से मेरे को याद नहीं आ रहा, बट कोई ना, मतलब बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे होती रहती है। यार मतलब गोलकुंडा के बारे में बहुत ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है, वो जितना नॉलेज है वो आप लोगों से शेयर करेंगे।